नमस्कार। विवाद विरोध में मैं सैंड्रो आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं उन अशोभनीय शब्दों की। जी हाँ, अशोभनीय, आपत्तिजनक, अश्लील शब्दों की, जिसका प्रयोग पिछले दिन लोकसभा में किया गया। दुखद है, विडंबना के रूप में से लेता हूँ कि जहां हम ये आशा कर रहे थे और सब पूरा देश आशा कर रहा था कि नए संसद भवन में भारतीय संसद एक नए चरित्र के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करेगी, लेकिन जो विशेष सत्र बुलाया गया 5 दिनों को, उसके अंदर ही जो दृश्य उत्पन्न हुए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उससे वो सारी आशाएं धराशायी हो गई। पूरा देश निराश हुआ कि हो क्या रहा है आखिर। हमारे ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि पूरे देश की भावना के साथ बलात्कार क्यों कर रहे हैं? संविधान के प्रावधानों, संविधान की आशाओं आकांक्षाओं के विपरीत आपत्तिजनक आचरण का प्रयोग कर पूरे देश को शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों जब हालांकि चर्चा हो रही थी चंद्रयान 3 की सफलता की, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सांसद रमेश विधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसे दोहराना भी कठिन लगता है। लेकिन जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है, पीड़ा के साथ मैं उसे यहां दोहराने के लिए मजबूर हूं, ताकि देश देख ले कि हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुन कर जाने के बाद संसद के अंदर किस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और पूरे संसद को शर्मसार कर देते हैं, अर्थात पूरे देश को शर्मसार कर देते हैं। रमेश विधूड़ी ने अपने भाषण के दौरान जैसे मैंने कहा कि बसपा बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के लिए भड़वा, जी हाँ भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, घोर अश्लील, आपत्तिजनक, असंसदीय भाषा का प्रयोग जब सत्ता पक्ष का कोई सांसद करता है, तो हम ये सोचने को मजबूर होते हैं कि आखिर क्यों, कैसे हिम्मत की उस व्यक्ति ने। हाँ, मैं ये कर चुनौती देने को तैयार है कि आखिर हिम्मत कैसे की, क्या उन्हें अपने पार्टी का समर्थन प्राप्त था, क्या उन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व से इसके लिए अनुमति प्राप्त की थी, या फिर वे स्वयं जानबूझकर किसी एक अनजान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और विपक्ष को उकसाया। प्रतिक्रिया स्वरूप ठीक हुई, दानिश अली ने पत्र लिख करके लोकसभा अध्यक्ष को आपत्ति प्रकट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है, लेकिन यह बता दो कि बसपा की ओर से यह कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वे सामूहिक इस्तीफा तक दे सकते हैं संसद से। ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर, जी हां जानबूझकर देश को इस तरह से आपत्तिजनक बातों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही, ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है ताकि लोग उसमें उलझे रहें। पिछले कुछ वर्षों में देख लिया, कुछ ऐसे मुद्दों को, अनावश्यक मुद्दों को बार बार उठाया गया, कुछ धार्मिक आधार पर,
कुछ वैचारिक आधार पर और अब यह निजी एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ आरोप लगाकर पूरे देश में एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। पूरे समाज को बांटने की जो साजिश का आरोप लगा था उसकी लगता है तो पुष्टि होने लगी है। अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव की राजनीति की बलि पर सामाजिक न्याय को चढ़ा दिया जाएगा, सामाजिक न्याय की बलि ले जाएगी चुनाव? यह सवाल उठ रहा है और यह वाजिब सवाल है। और इसमें हालांकि मैं चाहूंगा कि यह आशंका गलत साबित हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, जिसकी शुरुआत कुछ वर्षों पूर्व हुई थी। समाज को बांटने के लिए, धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने के लिए, यह उसी का अंग तो नहीं है? यह एक सवाल है और यह सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जा रहा है। इसका जवाब उन्हें देना होगा, क्योंकि मैं यह बता दूं कि अस्पष्ट शब्दों में सत्ता पक्ष का नेतृत्व कई बार कह चुका है कि वे विचारधारा की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन इस आधार पर समाज को बांटने के पक्ष में कतई नहीं है। उनकी एक मांग है, यह ठीक है कि हिंदू राष्ट्र की उनकी एक है, हिंदू राष्ट्र के एक तबका खड़ा हुआ था हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, यह हुआ था। लेकिन इस सच्चाई को भी चिन्हित किया गया तब कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान सर्वधर्म संभाव आधारित संविधान है, जिसमें हर धर्म हर संप्रदाय को अपनी आस्था अनुसार अपने समाज में विचरने का अधिकार है। एक धर्म संप्रदाय विशेष को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि उसके आधार पर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर, ये सारी बातें उस समय हो गई थी। लेकिन जब यह अचानक दृश्य जो पैदा हुआ लोकसभा के अंदर और इससे आगे बढ़ाते हुए पिछले दिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगा दिया कि सत्ता पक्ष संविधान को बदलना चाहती है, यह आरोप पिछले दिन आदित्य ठाकरे लगाया, यह सब एक कड़ी को सामने रखकर देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं अवश्य कुछ ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत एक पक्ष चाहता है कि यह विवाद समाप्त नहीं हो, इस विवाद पर पर्दा नहीं पड़े, चादर नहीं डाल जाए, यह चलता रहे, यह जो चिंगारी है यह समाज में धीरे धीरे सुलगती रहे। और यह सब कब हो रहा है? ठीक 2024 के चुनाव के पूर्व। तो जैसा कि आरोप लग रहा है कि चुनावी राजनीति में कहीं सामाजिक हित की बलि तो नहीं चढ़ा दी जाएगी, यह आरोप सही है। आप ध्यान रखें, महिला आरक्षण की बात के दोनों सदनों से बिल पास हो गया, अधिनियम होगा, अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, कानून बन जाएगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, आपने अभी पारित किया चुनाव के 6 माह पूर्व, और लागू करने के क्या प्रावधान वहां पर है कि 2029 के पूर्व लागू नहीं हो पाएगा, लागू होगा 2029 में। तो फिर ये कहा, जब इतना विलंब हुआ तो फिर ये ताबड़तोड़ विशेष सत्र को बुला करके इसे पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साफ है कि इसके पीछे भी वही चुनावी गणित साधने की मंशा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दुखद यह है फिर वही कि चुनावी गणित में सामाजिक हित की बलि चढ़ाई जा रही है। हम आरक्षण तो दे देंगे, सही है, लेकिन अगर महिलाओं की दुर्दशा की बात की जाए, शहरों को छोड़ दीजिए, अपवाद के रूप में शहरों में कुछ स्थिति दूसरी है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो इस पुरुष प्रधान देश में आज भी महिला दोयम दर्जे का
का स्थान प्राप्त कर विलखती रहती है। आज भी उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी भी निर्णय में उसकी सहभागिता नहीं है। ठीक है कि इस जो 33% आरक्षण की बात हुई है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उसके बाद स्थितियां बदलेगी, इसलिए इसका स्वागत किया गया, सभी ने स्वागत किया। लेकिन चूंकि मंशा चुनावी गणित साधने की है, इसलिए यह सवाल तो वाजिब ही है। फिर दोहरा दो कि यह चुनावी गणित साधने के लिए अगर सामाजिक हित की बलि ली जाती है तो आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और यह जो उद्देश्य है महिलाओं को अधिकार देने का, उन्हें समानता का अधिकार देने का, उस पर पानी फिर जाएगा, आप प्रतीक्षा कर लें। अगर इसमें यद्यपि किंतु है कि इसे ईमानदारी के साथ अगर लागू नहीं किया गया तो आज आदित्य ठाकरे की बात संविधान बदलने का, यह ठीक है कि हमारे संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जो हमारे वर्तमान सत्ताधारियों को वह स्वीकार नहीं है, वे इसे पचा नहीं पाते। वह है एक समानता का अधिकार धर्म समुदाय के नाम पर, और दूसरा यह बिल्कुल एक फिर विडंबना का रूप ले लेंगे कि जो वहां पर सर्वधर्म संभाव की बात आती है, धर्म निरपेक्षता की बात आती है, यह भी उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए बात उठती है और आदित्य ठाकरे ने शायद उसी पार्श्व में यह आशंका व्यक्त की है, या बल्कि आरोप लगाया है कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसा वे वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में नहीं कर पाएंगे। चूंकि एक मामले में संभवतः जो दक्षिण का केशवानंद भारती का मामला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुना चुकी है, निर्णय दे चुकी है, व्यवस्था कर चुकी है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह उनका स्पष्ट मत है। ऐसे में अगर इस तरह के अंश को हटा करके, सर्वधर्म संभाव की व्यवस्था को हटा करके, धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था को हटा करके आप संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। हाँ, इसके लिए जरूरी होगा संविधान सभा को आहूत करना। आप अगर संविधान सभा बुला के पूरी की पूरी संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आहूत करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें वह पर्याप्त समर्थन उन्हें मिल पाएगा जिसकी जरूरत, संवैधानिक जरूरत पड़ेगी। हालांकि संख्या बल के आधार पर अब जो स्थिति आज है और जो दावा सत्ता पक्ष कर रहा है कि अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में जो आज 300 प्लस सीटें के हैं वो बढ़कर 400 प्लस हो जाएंगे, अगर यह सत्य है, सच साबित होता है, अगर इतना विशाल बहुमत उन्हें प्राप्त होता है और उसी के तदनुरूप धीरे धीरे राज्यसभा में भी उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाता है तो शायद वह ऐसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। हो सकता है कि ऐसी कोशिश करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसे क्रियान्वित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तब संभवतः आम जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिल पाएगा। उसमें मतैक्य तो कदापि नहीं बनेगा, विभाजन होगा, समाज में विभाजन होगा, और हो सकता है कि धर्म संप्रदाय के नाम पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जो कानून व्यवस्था को चुनौती दे दे। इन संभावनाओं के मद्देनजर, इनकी उपस्थिति के मद्देनजर सत्ता पक्ष कोई ऐसा दुस्साहस करने से बचेगा, 10 बार सोचेगा, सैकड़ों बार सोचेगा, यह तो तय है। लेकिन जैसे कहा कि अगर चिंगारी निकली है तो आग होगी, वो तो ठीक है, यह तो प्रमाणित है कि ऐसी सोच काम कर रही है समाज में। सत्ता पक्ष का एक वर्ग यह चाहता है कि 80% हिंदुओं के आबादी वाले भारत में ऐसा परिवर्तन हो विचारधारा के नाम पर,
कि ताकि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र का उनका स्वप्न पूरा हो सके। ध्यान रहे एक बार पुनः संदर्भ वस दोहरा दो कि 1825 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, ये हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हुई थी। ध्यान रखिए आने वाले 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। वो चाहेगा, संघ चाहेगा कि तब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना तो हो जाए, उसकी पहल तो हो जाए, उनके स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर। और यह निर्भर करता है 2024 के चुनाव परिणाम। अगर विशाल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, हिंदू विचारधारा के समर्थक भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आती है, जैसा कि मैंने कहा और वो दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे, तब हो सकता है कैसे दुस्साहसिक कदम उठाए जाएं। वैसी स्थिति में यह प्रतीक्षा करनी होगी कि आम जनता अर्थात भारतीय समाज का क्या रुख होगा, उसकी जो वर्तमान सोच है धर्म निरपेक्षता की, जो प्रावधान हमारे वर्तमान संविधान में है, वो सफलतापूर्वक आज 75 वर्ष हो गया, आज आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं, वह संविधान सफलतापूर्वक लागू हुआ और उसने हमारे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हिंदू राष्ट्र स्थापना की ओर कदम डाल करता है कोई वर्ग, तो फिर उसे इन सभी किंतु परंतुओं को ध्यान में रखकर और संभावित जो प्रतिक्रिया होगी, जो परिणाम सामने आएंगे, उनको ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, कोई कदम उठाना पड़ेगा। अन्यथा पूरा समाज जो विभिन्न आस्थाओं के साथ शांतिपूर्वक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोग होली दिवाली में हर वर्ग साथ देता है, ईद बकरीद में हर वर्ग साथ देता है, आज जो यह भावना हमारे पूरे देश में व्याप्त है, उसमें कहीं दरार न पड़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि तब जो स्थितियां पैदा होंगी शायद कानून व्यवस्था के लिए वो इतनी बड़ी चुनौती हो जिसका मुकाबला, जिसका निराकरण करने की ताकत किसी भी सत्ता के पास नहीं होगी। धन्यवाद।